आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक तरफ जाति के नाम पर उस जातीय वैमनस्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस है जिन्होंने सदैव समाज को विभाजित किया है, अलग अलग खेमों में बांटने का कार्य किया है, और दूसरी तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने भारत के अंदर देखा होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर किस रूप में गरीब कल्याण का कार्य बिना भेदभाव के सबको आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा देना, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ देना, करोड़ों लोगों को बिना भेदभाव के उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन देना, करोड़ों लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य करना और करोड़ों लोगों के जीवन में जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर विकास की उन सभी बुनियादी सुविधाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम, एक तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने सबका साथ और सबके विकास के इस नारे के साथ जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर इन सभी संकल्पों को उतरते हुए देखा है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस देश के अंदर एक गरीब के बेटे को जब देश के सर्वोच्च पद पर जाने का अवसर प्राप्त होता है, इनको फूटी आंखों भी यह सब दिखाई, ये सब अच्छा नहीं लगता है। कल का दृश्य तो सबने देखा है, सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन आज जब भारत विकास की एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इन्हें भारत का यह विकास अच्छा नहीं लग रहा है, तब ये लोग भारत को हर दिशा में बदनाम करके भारत की इस प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का, जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मदि पहले हर लीना, और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं।
तब भी कांग्रेस के नेताओं के बयान भाइयों बहनों किस रूप में थे वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।